हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इस समय मौजूद है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मनोहर पार्क में, जहां ओपन जिम में सैर करने वाले 12 मई को होने वाले मतदान के लिए क्या सोचते हैं, किन किन मुद्दों पर वो चुनाव में मतदान करेंगे। हमारे बीच में है हरितन डबास। डबास साहब, हरियाणा की राजनीति में इस बार कौन कौन से मुद्दे प्रभावी होंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये इलेक्शन लोकसभा का है और लोकसभा के जो MP चुन के जाते हैं वो सेंटर की राजनीति करते हैं और सेंटर की राजनीति करने के लिए जो भी राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन्हीं के ऊपर जनता सोचती है, उन्हीं पर डिस्कशन होती है और उन्हीं के हिसाब से अपनी वोट देने का फैसला करती है। तो डबास साहब, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनेलो है, जजपा है, क्या ये राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभावी रहेंगे? फिर इसका अर्थ ये मत बताइए। हाँ, तो MP का समर्थन तो होता ही है, कोई किसी पार्टी को सेंटर में समर्थन देता है, कोई किसी पार्टी को समर्थन देता है। हमारे बीच में है सुखबीर फौजी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार हरियाणा की राजनीति में कौन कौन से मुद्दे प्रभावी होंगे लोकसभा के चुनाव में। सुखबीर जी, बताएंगे कि कौन कौन से मुद्दे इसमें प्रभावी रहेंगे? इस समय हरियाणा की राजधानी नहीं, ये तो लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे इस पर छाए रहेंगे। सबसे बड़ा होगा राष्ट्रवाद। जिस पार्टी ने मजबूती से दुश्मन को हर जगह खदेड़ा है और राष्ट्र की सुरक्षा की है, उसी आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का रुझान है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। देश उनके हाथों में सुरक्षित है, देश उनके हाथों में सुरक्षित है, राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहेगा, सुखबीर फौजी ने बताया। हाँ जी, आप सर। नग्गू साहब से। चलिए, कोई नहीं, हम तो आपकी राय जानने के लिए आए हैं आपके बीच में। मैडम, आपका शुभ नाम? कोई बात नहीं, आप एक डॉक्टर हैं। हाँ जी मैडम, हाँ जी, का बिल्कुल। कविता जिंदल जी। हाँ जी कविता जी, इस बार कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे और आप किन मुद्दों पर चुनाव में मतदान करेंगे? हम तो बीजेपी को ही करेंगे जी। नरेंद्र मोदी जी पूरे राष्ट्र के विकास में अपनी पूरी तन्मयता से जुड़े हुए हैं, वही इस देश के लायक हैं, वही देश को ऊंचा उठा सकते हैं। जिंदल साहब, श्रीमती जिंदल ने बताया कि केवल राष्ट्रवाद का मुद्दा है हावी है। उन्होंने तायद की इस बात की सुखबीर फौजी के साथ कि देश को ऊंचा केवल मोदी उठा सकते हैं। अलग अलग विचार हैं सभी के। हाँ, शुभ नाम आपका? दिगंबर। दिगंबर जी, आप 12 मई को चुनाव होने वाले हैं, आप जानते हैं, पहली बात तो ये बताइए कि आप क्या मतदान करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। चलिए, बहुत खुशी की बात है क्योंकि राष्ट्रीय लोकतंत्र का पर्व है ये। किन किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? देखो, मुख्य मुद्दा तो जैसे देश के विकास का है, देश की सुरक्षा का है और भ्रष्टाचार का है। इन सभी में पिछले 5 साल में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक कामयाब रही है और आगे हम उनको ही चांस देंगे कि वो आगे भी देश की व्यवस्था को सुधारें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और उनको ही वोट देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे। हमारे बीच में हैं श्री BM शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार। कांग्रेसी। इस बार 12 मई को जो चुनाव होने हैं, आप डेली सैर करने के लिए आते हैं, इस बार 12 मई को जो चुनाव होने हैं, किन किन मुद्दों पर चुनाव होगा? मुद्दे हर स्टेट वाइज अलग अलग हैं, देश में हर स्टेट में समस्या अलग अलग और उसमें है। और मेन तो ये है कि अपना कैंडिडेट देखो जो ईमानदार है, मेहनत करता है और कुछ सोचता है गरीबों के लिए, सबके लिए। फिर ये धर्म फर्म कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जात पात की राजनीति खुद ही बेकार है, बिल्कुल देश बांट जात पात, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके जो कड़े ठीक है। अपना कैंडिडेट देखो, जात पात बताया हुआ हमारे बीच में जुड़े हैं डॉक्टर प्रदीप जिंदल। जिंदल नर्सिंग होम के संचालक हैं, आइए उनसे भी जानेंगे। अभी भी जुड़े हैं हमारे बीच में। डॉक्टर साहब नमस्कार, एक शब्द बोलिएगा आप, क्योंकि आप जिम्मेदार नागरिक है, मतदान करना भी आपका अधिकार है और आपका दायित्व भी है और आप चूंकि पढ़े लिखे समाज से हैं, डॉक्टर लॉबी से हैं, तो आप ये बताइए कि इस बार के मुद्दे कौन कौन से हावी होंगे? मैं कुछ प्लीज। हाँ जी, आप बोलो तो सही ना। देखिए, आपकी मैडम जी ने भी कह दिया है कि आप कुछ बोलिए, आप तो ये बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कैमरे का सामना कीजिए सर। हाँ जी बताइए सर, ऐसे है जो मैडम कहा वो बात मान रहा हूँ। हाँ जी बताइए बताइए। चलिए, जो ये कह रहे हैं वो बात सही है,
हमें भाई साहब देखना ये चाहिए कि अगर हमारे पास 10 नेता हैं, 10 नेता में से जो बेस्ट नेता है हमें उसी को सिलेक्ट करना चाहिए। दस नेता हैं, 10 के 10 मान लीजिए चोर हैं, उसमें से जो कम चोर है हमें उसको डेडिकेशन जिसकी हो, हमें सर देखना चाहिए देश के प्रति। जो भी आदमी सेंसिटिव है, हमें देशभक्ति ही हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। मुझे मेरा प्यारा फोटो तो ये थे हमारे बीच में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मनोहर पार्क के ओपन जिम में सैर करने वाले, कसरत करने वाले लोगों के व्यूज़। लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार रखे, राष्ट्रवाद का मुद्दा भी झलका है और कई मुद्दे भी उभर कर सामने आए हैं। मैं पलवल से सतीश पुटानी।